नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततन्नमः नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणतराश्मतां। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, मैं आचार्य अजय द्विवेदी आपसे साप्ताहिक राशिफल की आज चर्चा करता हूँ। ये राशिफल 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक का है। आज हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। परिवार को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं। पिता और पुत्र में अनबन अर्थात मन मुटाव जैसे योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। वाहन चलाते समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। बड़ी तीव्रता से वाहन को मत चलाइएगा, चोट लगने के आसार हैं। विद्यार्थीगण अपना पूरा फोकस पढ़ाई के ऊपर देगा तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक कार्यक्रमों में आप अपनी हाजिरी लगाएंगे जाकर के। करियर से जुड़े हुए काम आपके जो कर रहे हैं उसमें गति भी आएगी, काम में सफलताएं भी प्राप्त होंगी। व्यापारिक वर्ग जो है इसमें आय में बड़ों की सलाह लें कि किस तरह से हम व्यापार को आगे बढ़ाएं। अगर कोई भी बड़ा है आपके घर में, नहीं है तो माता जी को प्रणाम करके आप व्यापार को प्रारंभ करिएगा। 8 से लेकर के 9 मार्च तक के बीच में चंद्रमा थोड़ा सा ठीक नहीं है, मीन राशि पर ये चंद्रमा भ्रमण करेगा, इस कारण से शत्रुओं से भी आपको सचेत रहने की जरूरत है। बात करें वृषभ राशि की, जाती समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा, संभल करके चलिए। परिवार में माहौल भी ठीक नहीं है, किसी की बातें आपको इस तरह से चुभ जाएंगी, आपको अंदर ही अंदर मन के अंदर ही आपको बड़ा वेदना होगी, बड़ी कष्ट होगी। विद्यार्थियों को भी कष्ट की अनुभूति इस समय हो सकती है। व्यक्तिगत मामलों में समझदारी से आपको काम लेना है। 8 और 9 के विषय की अगर हम बात करें मार्च में, तो माहौल मेहनत परिणाम आपको प्राप्त होंगे, परंतु मेहनत करेंगे तब उसका परिणाम आपको अच्छा प्राप्त होगा। आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी, आपके कार्यों को अच्छा भी कहा जाएगा। धन प्राप्ति के उपाय भी आप करेंगे और धन प्राप्ति आपको होगी भी, किसी विद्वान संत ब्राह्मण इत्यादि की राय जरूर आप लें या उनको प्रणाम करें। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की, तो मेहनत की परिश्रम परिणाम अच्छे आएंगे। जो आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के परिणाम और परिश्रम अच्छे आने वाले हैं। नौकरी का दबाव आपके जीवन में बना रहेगा इस समय। रोजगार में बहुत अच्छे परिणाम हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। 5 से 7 के बीच में सुधार आएगा थोड़ा सा। आप अपने काम को पूरी निष्ठा से करने का प्रयास भी करेंगे और इसके साथ साथ इस समय आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। 8 और 9 को अपने सम्मान में आपको चुनौतियां भी प्राप्त होंगी। चुनौतियों भरे मुकाबलों को आपको झेलना पड़ेगा, चुनौतियों भरा हुआ समय होगा, उस समय में आपको अच्छे परिणाम लेकर के आना, इसलिए आप संयम से काम लेंगे। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की, व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरों के साथ मेलजोल भी रहेगा और इस मेलजोल के कारण प्रियजनों से भी आपका संबंध और संपर्क हो सकता है। संबंध भी बन सकते हैं प्रियजनों के साथ में और उनके साथ में आपका संपर्क भी होगा। इसके साथ साथ 5 से 7 के विषय की अगर हम बात करें तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, इसमें आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। 8 और 9 को कोर्ट कचहरी का फैसला आपके पक्ष में होगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी में आपका फैसला चल रहा है तो वो फैसला आपके पक्ष में आएगा। आप विपरीत हालातों में भी सफलता को प्राप्त करेंगे, अपनी जीवन शैली में भी आप सफलता को प्राप्त करेंगे। बात करते हैं सिंह राशि की, तो पैसा आने से पहले ही रास्ता तैयार हो जाता है पैसा जाने का आपके लिए। सिंह राशि के जातक को पैसा आता है परंतु उससे पहले ये हो जाता है कि पैसा हमको यहाँ यहाँ पर देना है, खर्च करना है, तो रास्ता पहले ही बन जाता है। बच्चों पर भी पैसा का निवेश आप कर सकते हैं, बच्चों के ऊपर भी पैसे खत्म हो सकते हैं। आप जिस काम को ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं, ये आपकी एक बहुत बड़ी अच्छाई है। और 7 को कोई अप्रिय समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। 8-9 को आता हुआ पैसा रुकने के योग दिखाई दे रहे हैं, कहीं से आपको पैसा मिलने वाला हो, बात हो गई हो कि
मैं इस तारीख को पैसा दे दूंगा, वो पैसा आपका रुक भी सकता है। और 10 को आपकी जो ग्रह स्थितियां हैं एक बार फिर आपके पक्ष में होंगी, जो 8 को पैसा मिलना हो सकता है वो पैसा आपको 10 को प्राप्त हो जाए। बात करें हम कन्या राशि के जातकों की, तो महिलाओं के जो स्वभाव है इस स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देगा। विशेष करके जो महिलाएं घर में और ऑफिस में दोनों जगह काम करती हैं उनके जीवन में इस समय भाग दौड़ भरा ये समय रहेगा, जिससे थकान होगी और थकान के साथ साथ आपको चिड़चिड़ापन भी आपके सामने आएगा। ऐसा लगेगा मेरे से कोई बात ना करे, मैं एकांत में बैठूं, मैं बड़ी थक सी गई हूं, ऐसा आपको प्रतीत होगा। संपत्तिदायक ये समय रहेगा, आपको मेहनत का फल प्राप्त होगा। नए घर में या नए मेहमान का आगमन भी आपके घर में हो सकता है, कोई बालक का भी जन्म हो सकता है आपके घर में, स्वयं माता पिता आप बन सकते हैं। अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपके विवाह इत्यादि के संबंध भी आ सकते हैं। पढ़ाई क्षेत्र में आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। प्यार पैसा परिवार सब आपको प्राप्त होगा, ऐसा योग यहाँ पर दिखाई देता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की, व्यवस्था अधिक आर्थिक समस्याओं को लेकर के आएगी, अर्थात जो व्यस्तता है अधिक रहेगी और व्यापार में भी समय आपका अधिक लगेगा। नौकरी में आपका दबदबा आपका रुतबा कायम रहेगा। 5-6 के मध्य अचानक खर्च आ सकते हैं जो आपके अपने ही समय पर धोखा दे सकते हैं, आपके जो अपने हैं वही आपको उस समय पर धोखा भी दे सकते हैं कि आपने धन की मांग की, उन्होंने कहा मैं दे दूंगा और उस समय आकर के उन्होंने धन को नहीं दिया, तो धोखे के कारण भी आपके सामने समस्याएं आ सकती हैं। और जो चाटुकार लोग हैं, जो एक दूसरे की चुगली करने वाले लोग हैं या किसी का सेवक है, ऐसे चापलूसों से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान संबंधी चिंता भी आपको कम होगी, रहेगी संतान संबंधी समस्या चिंताएं, परंतु उसमें भी सुधार आएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की, तो धन प्राप्ति के योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक स्थितियां ठीक रहेंगी, यात्राओं के भी योग दिखाई देते हैं और लाभ भी आपको प्राप्त होगा। किसी भी अपनी गुप्त बातों को किसी से शेयर ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। विशेष करके आपको जो स्वास्थ्य के विषय में हम बताएं तो सिर दर्द है या आप इसके साथ साथ में थकान है, मानसिक समस्याएं हैं या ब्लड प्रेशर है या आप शुगर के पेशेंट हैं, तो थोड़ा सा संभल करके रहने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े से आपको बच करके रहना है। 8 से 10 के बीच कुछ नया काम आप जो विचार बना रहे हैं उसको आप करने का भी प्रयास करेंगे और उसे प्राप्त भी कर लेंगे और पैसों का निवेश भी आप उसमें करेंगे। किसी कार्य में भी आप पैसे को खर्च कर सकते हैं, किसी को दान पुण्य इत्यादि कर सकते हैं, इसके साथ साथ कोई नया व्यापार भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। बात करते हैं धनुराशि के जातकों की, तो यह समय बहुत सुंदर रहेगा। इस समय आपको धन लाभ के योग संकेत यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। आपने अभी तक जो मेहनत करी है अपने आप से लेकर के, आपने जो मेहनत करी है, जो आपने अपना एक रुतबा कायम किया है जिसके द्वारा लोग आपको जानते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलने की योग दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद के कार्यों में भी आपको लाभ प्राप्त होगा और घर में किसी प्रकार का मांगलिक शुभ पूजन हवन गृह प्रवेश विवाह इत्यादि के भी कार्य हो सकते हैं। विद्यार्थी अधिक मेहनत करें तो घर में किसी भी व्यक्ति को अस्पताल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, विद्यार्थी वर्ग मेहनत करेगा, इस बीच में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य भी डामाडोल हो सकता है, खराब हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की, सन्मुख चंद्रमा सुखदायक रहेगा आपके लिए, संबंध अच्छे बनने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्रियजनों से भी संबंध आपके बन सकते हैं, प्रियजन आपके संबंधों को अच्छा कहेंगे। मानसिक रूप से आपको संतोष प्राप्त होगा, आपका जो मन स्थिर नहीं रहता वो स्थिरता की ओर आएगा आपका मन, आप अपने काम से संतुष्ट रहेंगे और इसके साथ साथ 8 से लेकर के 10 धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं और धन लाभ के साथ साथ आपके मित्र भी आपसे लाभ प्राप्त करेंगे। धन प्राप्ति के लिए किए गए काम आपके सार्थक होते हुए दिखाई देंगे। बात करें हम कुंभ राशि के जातकों की, तो धन हानि के योग यहाँ पर बन रहे हैं कुंभ राशि के जातकों आपके लिए,
आय में कमी आ सकती है, दूसरे की परेशानी को लेकर के आप स्वयं ही कष्टमय अपने आप को महसूस करेंगे, दूसरे के दुखों को आप झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे कि दूसरा हमारे दुख से दूर हो जाए, मैं उसके कष्टों को अपने ऊपर ले लूं। 7 से 8 के बीच मन संतोषजनक रहेगा, मन ठीक ठाक रहेगा आपका। जिस काम को आप करेंगे सफलता के योग प्राप्त होंगे आपको, उसमें आप नवीन वस्तुओं की भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई नया काम भी आप चालू कर सकते हैं, किसी नए जमीन इत्यादि को भी आप खरीद सकते हैं, और फिर भी इस समय समझदारी से आपको काम लेना चाहिए, आपके लिए शुभ रहेगा। बात करेंगे हम मीन राशि के जातकों की, तो दूसरों को लेकर के आप उदार रहेंगे, यात्रा के योग हैं, कहीं से दुखद समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें, विशेष करके 5, 6, 7 मार्च को आपको निराशा प्राप्त होगी, समय को लेकर के आप बर्बाद ना करें। 8, 9, 10 मान सम्मान में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको अपने काम में यश की प्राप्ति होगी। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझें, क्योंकि भावनाओं के बीच में मतभेद भी हो सकता है यहाँ पर। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में ध्यान दें। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगी।